Exercise 8A, question number 15, part D. इस पार्ट में भी हमें एक डायग्राम गिवन है और इसमें भी कुछ पोर्शन हमारे पास शेडेड है और कुछ अनशेडेड है. तो जो शेडेड रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास दो शेप्स हैं. एक शेप कुछ इस तरह से है और एक शेप हमारे पास कुछ इस तरह से है. इसमें से जो एरिया हमारे पास शेडेड रीजन है इसको मैं कलर करने जा रही हूँ. ये एरिया हमारे पास शेडेड रीजन है. ये आप देख सकते हैं कि इस पूरे डायग्राम में हमें तीन शेड्स बहुत आसानी से नज़र आ सकते हैं. एक है हमारे पास सर्कल, एक है हमारे पास ट्राइंगल और एक है रेक्टेंगल. अब हम इन शेप्स को नाम दे देते हैं. ये मेरे पास शेप ए, ये बी और ये सी. इसकी डायमेंशन है हमारे पास 16 और इसकी डायमेंशन है हमारे पास 11. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी विड्थ हमारे पास 16 और इसकी लेंथ हमारे पास 11 और इसके ऊपर जो ये बना हुआ है ये है हमारे पास एक ट्राइंगल जिसको मैंने शेप ए का नाम दिया है और इसकी जो हाइट है हमारे पास वो है 13.6 सेंटीमीटर. सबसे पहले ये जो हमारे पास शेप बी है हम इसको कंसिडर करेंगे. जो कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम. इसके एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी. जैसे कि हम जानते हैं ये इसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से जो कि इसकी विड्थ है. दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिल्कुल इसी तरह से शेप ए की अगर हम बात करें तो शेप ए में आप ये देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल है. इसके एरिया का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. इसकी बेस यहाँ से लेके आप यहाँ तक की इसकी बेस है लेकिन इसकी डायमेंशन हमें गिवन नहीं है यानी कि इसकी मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है. इसकी हाइट की हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 13.6. इसकी हाइट यहाँ से लेके स्टार्ट हुई है और यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है. अगर आप सर्कल के हवाले से देखें तो ये रेडियस फॉर्म कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक. अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन 13.6 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लाइन 13.6 होगी. यहाँ से लेके यहाँ तक की भी लाइन 13.6 होगी. तो इस तरह से अगर हम इस पूरे डायमीटर की बात करें क्योंकि ये सर्कल का एक डायमीटर है. इसको मैं एक डिफरेंट कलर से भी हाईलाइट कर देती हूँ. ये
ये एरिया इसका डायमीटर है और ये इसका रेडियस है। अगर मैं रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे डायमीटर की जो मेजरमेंट है वो मालूम हो जाएगी, यानी कि इस ट्रायंगल की जो बेस है मुझे वो पता चल जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस को मल्टीप्लाई कर लें, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपकी जो हाइट है वो है 13.6। आंसर आएगा आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 27.2 मल्टीप्लाई बाय 13.6। और पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर आएगा 184.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है इस ट्राइंगल का और ये हमारे पास एरिया था इस रेक्टेंगल का। अब हम बात करेंगे शेप सी की। शेप सी अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 3.142, रेडियस 13.6, तो होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को या इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप फिगर आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 581.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके पास सर्कल का एरिया आ चुका है। अब हम शेप ए और शेप बी का जो एरिया है उसको ऐड करेंगे। 176 प्लस 184.96 इज़ इक्वल्स टू 360.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो हमारे पास सर्कल का जो एरिया आया है उसमें से हम माइनस कर देंगे। टोटल आंसर आएगा हमारे पास 220.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर है। शेडेड रीजन का